हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज और हम लोग कर रहे हैं हमारी 500 सीरीज़, जिसके अंदर हम हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस करेंगे। और आज हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12, विच सेज़ दैट इवेलुएट द कंटेंट्स ऑफ तबाकते नसीरी एज अ सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। सो क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है, पहले देखिए सिलेबस में हमें पूछा गया है फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर, जहाँ पर लिटरेचर के अंदर से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कोई भी टर्न नहीं है, वेरी वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन अबाउट दिस बुक कॉल्ड तबाकते नसीरी। तो आप देखो, ऐसे क्वेश्चन में एक तो प्रॉब्लम आ जाती है कि या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। यू कैन नॉट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, नहीं हो सकता है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो जितने आसान होते हैं ये, उतने ही थोड़े ट्रिकी भी हो जाते हैं, बिकॉज आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, राइट। सो लेट अस सी इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पर जैसे हम कीवर्ड को हमेशा अंडरलाइन करते हैं, दैट यू नीड टू फर्स्ट अंडरलाइन इट इन योर क्वेश्चन बुकलेट ओनली। वहाँ पे देखो कि क्या है आपका क्वेश्चन, उसमें देखो पूछा क्या जा रहा है। तो आपको कंटेंट्स पूछे जा रहे हैं भाई डायरेक्ट, ठीक है। बुक का नाम क्या है, तबाकते नसीरी। मिडिवल हिस्ट्री का एक सोर्स के रूप में किस तरीके से आप इसको देखते हैं, हाउ डू यू सी इट एज अ सोर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, वॉट आर दी इंफॉर्मेशंस दैट दिस बुक इज गिविंग टू यू, फाइन। सो तबाकते नसीरी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या है बुक। तबाकते नसीरी वॉज रिटन बाय मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज कौन थे, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। ही वॉज एन उलमा, मतलब एक ऐसे पर्सन थे जिनको इस्लामिक थियोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जो इंडिया के अंदर आए और इल्तुतमिश के टाइम से इनको पेट्रनाइजेशन यहाँ पर मिली। पेट्रनाइजेशन का मतलब है एक सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ द किंग, एक तरीके का एनकरेजमेंट मिल रहा है टू राइट अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑफ दिस एम्पायर, राइट। तो मिन्हाज सिराज जब यहाँ पर आए, उनको एज अ काजी अपॉइंट किया गया था बाय इल्तुतमिश, बिकॉज ही वॉज अ नॉलेजेबल पर्सन। ही न्यू अबाउट इस्लामिक थियोलॉजी, ही न्यू अबाउट इस्लामिक लॉ, हेंस ही वॉज वन ऑफ द राइट कैंडिडेट्स टू बी अपॉइंटेड टू अ पोजिशन ऑफ अ काजी, ठीक है। लेटर ऑन जाके नसीरुद्दीन महमूद के पीरियड तक ये पर्सन काजी की तरह अपॉइंटेड रहते हैं और अपना टाइम पीरियड यहाँ पे स्पेंड करते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान इन्होंने ये बुक को लिखा, एंड टिल द टाइम पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन महमूद ये स्टोरी को लिख रहे हैं अबाउट द एंटायर एम्पायर, ठीक है। और नसीरुद्दीन महमूद को डेडिकेट करते हुए इन्होंने बुक का नाम क्या रखा, तबाकते नसीरी, ठीक है। मतलब द हिस्ट्री टिल द टाइम पीरियड ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है जी, ओके। नाउ इसके बाद आप इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो आप क्या लिखेंगे उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली मेंशन करना पड़ेगा अबाउट द ऑथर ऑफ द बुक कौन है। देन यू कैन मेंशन अबाउट योर कि तबाकते नसीरी कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। मिन्हाज सिराज कौन था, ही वॉज वन ऑफ द काजी एंड अपॉइंटेड बाय इल्तुतमिश टिल द टाइम पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन महमूद ही हैज सर्व्ड, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ही हैज रिटन दिस बुक, डेडिकेटेड दिस बुक इन द नेम ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है जी, ऑलराइट। इसके बाद आप, सो बेसिकली आपने पीरियड बता दिया, ठीक है, 1210 AD के बाद ऑनवर्ड्स ये चीज़ होगी। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर नेम बता दिया कि नेम ऐसा क्यों है, इसमें जो हिस्टोरिक नॉलेज है वो किसके टाइम पीरियड तक की है, ठीक है। तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड तक की है, ये बात आपने बता दिया। हेंस इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री टिल द टाइम पीरियड ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, हेंस वी कैन नो अबाउट द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन में 20-30 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, एंड आगे हम लोग मूव करेंगे, देन वी विल नो अबाउट कि बॉडी में क्या लिखना है। सो बॉडी के अंदर ऑब्वियसली आप अब मेन कंटेंट के बारे में बात करोगे, राइट। तो कंटेंट को देख लेते हैं। कंटेंट में हम लोग बॉडी में व्हाट वी विल मेंशन, आपको अब एक्सक्लूसिवली बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या मेंशन है। सो मोटे तौर पर आप बुक को देखेंगे, मेंशन करेंगे कि जैसे वॉल्यूम 1 के अंदर यहाँ पर बताया गया है अबाउट द अर्लियर प्रॉफिट्स, मतलब द स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम एंड उनकी जो लाइफ हुआ करती थी, एंड अबाउट देयर लाइफ, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया।
आगे के जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 2 to 7 टॉक्स अबाउट डिफरेंट किंग्स ऑफ दिस टाइम पीरियड, जितने भी रहे अल्तुतमिश से स्टार्ट होके सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तक, और इनके टाइम पे किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा, क्या इन लोगों की पॉलिसीज रही, इसके बारे में वो लिखते हैं. फाइनली यू विल मेंशन दैट ही हैज़ एक्सक्लूसिवली मेंशनड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दिस टाइम. बंगाल के राजाओं के बारे में जहाँ पर खलजी रूलर्स रूल कर रहे थे, बख्तियार खलजी का टाइम ये लिखते हैं, और उनके टाइम पीरियड के दौरान बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन किया जाता था, राजा की क्या क्वालिटीज़ थी, किंग किस तरीके से ना ही सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम का ध्यान रखता था बट आल्सो ही टुक केयर ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. उसने मदरसास बनवाए, मॉस्क बनवाए. इस तरीके से आप उस राजा की इंफॉर्मेशन जो तबाकत नसीरी में मैंशन की मिन्हाज-उस-सिराज ने, उसको आप मैंशन करोगे. ठीक, ऑल राइट. देन यू कैन ऑल्सो मैंशन हियर कि बंगाल की हिस्ट्री से रिलेटेड वन ऑफ द ऑथेंटिक सोर्सेज एंड वन ऑफ द ओनली सोर्सेज दैट वी हैव ऑफ दिस टाइम पीरियड इज तबाकत नसीरी. और कोई भी ऐसी किताब हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है जिसको हम बंगाल की हिस्ट्री पढ़ने के लिए इस वक्त की यूटिलाइज कर सकें. सो दिस इज द एक्सक्लूसिव वन, राइट? सो यू हैव टोल्ड अबाउट द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस बुक कि ये इसमें नॉलेज प्रेजेंट है. ठीक है, फाइनली आप यहाँ पर कॉन्क्लूड करते हुए मैंशन कर देंगे दैट इसके बारे में ख़ास बात क्या थी. अब वो सुने, तबाकत नसीरी के अंदर ख़ास बात ये थी कि मिन्हाज-उस-सिराज ने जितने भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर मैंशन किया, दैट इंफॉर्मेशन वॉज वेरी वेल प्लान्ड इंफॉर्मेशन, इट वॉज वेल ऑथेंटिकेटेड. बहुत सारे सोर्सेज को रेफर करके, बहुत सारा डिफरेंट मटीरियल रीड करके, रिसर्च करके, देन तबाकत नसीरी वॉज रिटन बाय मिन्हाज-उस-सिराज, राइट? सो वी कैन एक्चुअली बिलीव दिस, बिलीव हिज कॉन्टेंट कि वट एवर ही हैज़ रिटन वॉज एक्चुअली ट्रू. बिकॉज उस टाइम पर ऐसा होता था कि बहुत सारा जो लिटरेचर रहता था वो इन्फ्लुएंस्ड होता था, बिकॉज द किंग्स यूज टू पे दीज पीपल एंड हेंस दे यूज टू राइट अ वेरी बायस्ड कंटेंट ऑफ इट, बायस्ड अकाउंट लिखा करते थे. बट योर मिन्हाज-उस-सिराज के बारे में ये बात लिखी गई थी दैट ही हैड कलेक्टेड ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड देन ही हैड प्रिपेयर्ड दिस अकाउंट. तो कंक्लूजन में यू कैन मेंशन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द अकाउंट एंड यू कैन जस्ट टेल दैट मैनी मटीरियल, मैनी सोर्सेज रिगार्डिंग दिस पीरियड वर रेफर्ड बाय मिन्हाज-उस-सिराज एंड हेंस एन ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ दिस टाइम पीरियड वॉज प्रिपेयर्ड बाय हिम. ठीक है जी, सो लाइकवाइज यू कैन एंड द आंसर. सो आई होप आप लोगों को सारा नॉलेज मिला होगा, तबाकत नसीरी किसने लिखी, क्या नॉलेज इसके अंदर लिखा, एवरीथिंग. सो हियर इज़ द मॉडल आंसर. लाइक आई सेड यू, तबाकत नसीरी किसने लिखी है, उनका नाम बताइए, वो कौन थे, किन के टाइम पीरियड पे उन्होंने सर्व किया है, बुक के बारे में खास बात कि बुक का नाम ऐसा क्यों रखा गया, वो आप बताइए. इन द बॉडी यू कैन मैंशन अबाउट दैट मिन्हाज-उस-सिराज का ये जो अकाउंट है, दिस वॉज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. अगेन आप राजाओं के नाम मैंशन कर सकते हैं. ऑल्सो इसकी खास बात ये थी दैट इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट एंड देर आर नो यूजलेस डिस्कशंस इन इट. कहीं पर कोई ऑर्थोडॉक्सी की बातें नहीं करी गई, कहीं पर कोई अननेसेसरी डिस्कशंस जो राजाओं के साथ होती थी, कोई बहस हो जाती थी, उसको यहाँ पर मैंशन नहीं किया गया, जबकि बहुत सारे और टेक्स्ट हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती थी. सो इट इज़ अ लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्टेंट, एकदम टू द पॉइंट बात करी गई है और कुछ और एक्स्ट्रा इसमें नहीं है मैंशन. सो इट डील्स विद द अर्लियर प्रॉफिट्स एंड एंसेस्टर्स. देन 2 to 10 तक जो अकाउंट है वो कैलिफ्स के बारे में, यानी खलीफाओं के बारे में, और मुस्लिम रूलर्स के बारे में जो कि उस वक्त गजना के अंदर रूल कर रहे थे, बिकॉज ही हैज़ कम फ्रॉम देयर. ठीक है, तो गजनवीद या सुल्तान ऑफ घोर जो थे, मंगोलों के बारे में लिखा. ऑल्सो इज मैंशनड अबाउट द स्टोरी ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान के बारे में लिख रहा है. देन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल. ठीक है, तो इंडियन राजाओं के बारे में, अफगानिस्तान के राजाओं के बारे में तो लिखा ही, और बंगाल की हिस्ट्री एक्सक्लूसिवली इन्होंने बताई मोहम्मद बख्तियार खिलजी के टाइम से लेकर टिल 1259 AD तक का जो टाइम पीरियड है इन्होंने मेंशन किया. ठीक है, कंक्लूजन में बताते हुए दैट ही हैड मेड ग्रेट एफर्ट्स इन कलेक्टिंग द सोर्स मटीरियल बिफोर ही गेव इट इन द इट अ फॉर्म ऑफ अ बुक, राइट? सो हेंस वी इट प्रूव्स इट्स ऑथेंटिसिटी. It proves that it is a content, it is a source on which you can believe.
यू कैन एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री आउट ऑफ इट. ठीक. सो द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बुक आर प्रेजवर्दी. मतलब जो कॉन्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिच कॉन्टेंट है और टू द पॉइंट है. हेंस आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, आप इस पर ट्रस्ट करके हिस्ट्री को समझ सकते हैं. ठीक है जी. सो दैट वॉज द मॉडल आंसर. दिस यू कैन एक्सेस फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल. ऑल राइट. सो आई होप द आंसर इज क्लियर विद यू. और ऐसे ही और क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे आने वाले सेशंस में भी. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.